दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है और जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तब तक आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र में रहती है। आपको बता दें कि आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, मतलब एसिमिलेशन इनटू द गॉड, परमात्मा में आत्मा को मिल जाना। लेकिन अपने कर्मों के बंधन में फंसकर जीवात्मा अनेकानेक योनियों में भटकता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार वर्तमान जीवन के बाद किस लोक में स्थान प्राप्त होगा और व्यक्ति किस योनि और लोक से आया है यह उसकी कुंडली से जाना जा सकता है या समझा जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य ज्योतिषी योगों की जानकारी दी जा रही है इस वीडियोस के माध्यम से, जिसे यह पता किया जा सकता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद किस लोक में स्थान प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो या 12वें घर पर ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 8वें घर में चंद्रमा, गुरु, शुक्र का स्थित होना भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति को दर्शाता है। जिनकी जन्म कुंडली में पहले घर में गुरु होता है और चंद्रमा को दिखता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्मभीरु होता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर 8वें घर में कोई ग्रह नहीं हो तो अपने सत्कर्मों के कारण, अपने सद्कर्मों से मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त करता है। इसी प्रकार जिनकी जन्म पत्री में 10वें घर में धनु अथवा मीन राशि हो और 12वें स्थान में बैठे गुरु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को स्वर्ग में देवपद मिलता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि जिनकी कुंडली में 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों और 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि अथवा मित्र की राशि में हो एवं उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने सदकर्मों से मोक्ष प्राप्त करता है। वहार मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत जातकम में इस बात को का जिक्र किया है कि कुंडली में सभी ग्रह कमजोर हो, केवल गुरु कर्क में और छठे, आठवें या प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। कुंडली में गुरु मीन राशि में लग्न अथवा दशम भाव में हो तो और कोई अशुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा हो या किसी की दृष्टि वहाँ पे नहीं हो तो यह मोक्ष प्राप्ति का योग बनता है। अब बताते हैं नरक प्राप्ति के योग। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव में कमजोर स्थिति में हो और छठे अथवा 8वें घर का स्वामी राहु को देख रहा हो, उसकी दृष्टि हो तो नरक प्राप्ति योग बनता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में पाप ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु 12वें घर में हो अथवा 12वें घर का स्वामी सूर्य के साथ हो तो वह मृत्यु के बाद नरकगामी होता है, नरक की प्राप्ति होती है। 12वें घर में राहु अथवा शनि के साथ 8वें घर का स्वामी स्थित हो तो वह भी नरक प्राप्ति योग बनता है। खासकर इन सब योगों के बनने के और बिगड़ने के पीछे आपके कर्म भी हैं। आपकी कुंडली में कर्म वहीं बनते हैं, वह ग्रह वहीं बैठते हैं जो आपने कर्म किया है। आप प्लेन पेपर पे जो लिखेंगे वहीं उस पर अंकित होगा। तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपना कर्म ही जो है वह भाग्य बनाते हैं, अच्छे और बुरे
ग्रह लिखते हैं या कुंडली में बैठते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।